ओके सरकार लास्ट पॉइंट फॉर रिवीजन, रिवीजन सीरीज का लास्ट पॉइंट, जी हाँ, अगला नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आएगी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यस सर, एफटीपी का रिवीजन। सर सुनिएगा ध्यान से, दिल थाम के। और हाँ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सर जो 31 मार्च 2020 तक वैलिड थी, इट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट वन मोर ईयर, मतलब 31 मार्च 2021 तक ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है। मतलब अगर आपके एग्जाम्स जुलाई 20 में है, या आपके एग्जाम्स नवंबर 20 में, या आपके एग्जाम्स मई 21 में होने वाले, सबके लिए यही पॉलिसी काम की, ये रिविजन लेक्चर सबके लिए हेल्प करेगा बच्चों। ओके सर, दिल थाम के सुनेगा बेटा सरकार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और हाँ, इसका भी रिविजन लेक्चर अगर आपने देख लिया सर, सारे चैप्टर तो आपने रिवाइज कर लिए, प्लस ये एफटीपी भी अगर आपने देख लिया तो डेफिनेट सी बात है आपको फील आ जाएगा आज तो अपन चांद पे माहौल। सर देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डीजीएफटी का सर अथॉरिटी है जो गवर्न करता है, सर सारे प्रोविजंस को इंटरप्रेट करता है और एप्लीकेबल करता है हिंदुस्तान में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके सर, ध्यान रखना बेटा, सर डीजीएफटी, डीजीएफटी का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर बेटा, एंड इसके वेरियस रीजनल ऑफिसेज है टू गवर्न द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है वो स्कीम्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कि सर हमको क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए, तो मैं वो सेलेक्टिवली वो पार्ट्स आपके लिए कवर कर रहा हूँ एफटीपी के लिए, सो दैट एग्जामिनेशन में एटलीस्ट आपने वो पार्ट रिवाइज कर लिया, आपका रिस्क कवर हो जाएगा बच्चों। ओके, सबसे पहला सर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट किया तो सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। सर नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो ऐसे केस में आपको एक परसेंटेज ऑफ एफओबी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल जाता है, और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो आपने इश्यू करवा लिया वो स्क्रिप्ट आप किसी को बेच भी सकते हो, या उस स्क्रिप्ट को आप यूज करके कोई भी गुड्स अगर इंपोर्ट करते हो तो उसके इंपोर्ट पे कस्टम्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। आई रिपीट, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उस पर कस्टम पे करना है, और आपके पास अगर MEIS या SEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पड़े, तो स्क्रिप्ट को यूज करके आप उतना कस्टम पे नहीं करेंगे, उतना कस्टम का आपको बेनिफिट मिल जाएगा ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो सर MEIS और SEIS को आप मार्केट में बेच भी सकते हो बेटा, और मार्केट में बेचा है तो वैसे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इट इज ट्रीटेड एज गुड्स, पर इस पे जीएसटी एग्जम्प्टेड, जीएसटी की रेट नील रेट दे रखा है NIL बेटा। ओके, पर हाँ एट द सेम टाइम ये MEIS इश्यू कब होता है, क्या कंडीशन से, पहले हम बात करें MEIS के रिगार्डिंग। सर इट इज यूजुअली फिक्स्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एफओबी, और हाँ इसका कैलकुलेशन जो होगा वो कैसे होगा बेटा, सर जो आपने शिपिंग बिल फाइल किया उसमें जो एफओबी डिक्लेयर किया वो, या एक्चुअल जो एफओबी आपको रियलाइज हुआ वो, व्हिचएवर इज लेस, उसका आपको परसेंटेज एफओबी का परसेंटेज आपको मिलेगा MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। ओके सर, अगर आपने बाय पोस्ट एक्सपोर्ट किया, बाय पोस्ट या आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया तो वो भी एलिजिबल है MEIS के लिए, पर वहां पर मैक्सिमम एफओबी विच विल बी कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द MEIS विल बी रुपीज ओनली 5 लाख। सर आपने फॉर एग्जांपल 6 लाख के एफओबी वाला गुड्स एक्सपोर्ट किया, पर कंसाइनमेंट की बात करूं मैं, एक कंसाइनमेंट में 6 लाख की वैल्यू का गुड्स है, तो मैक्सिमम कितना कंसिडर करेंगे बेटा, ओनली 5 लाख ही कंसिडर करेंगे फॉर MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कैलकुलेशन। अगर आपने 4 लाख एक्सपोर्ट किया तो 4 लाख का ही परसेंटेज जो भी होगा वो आपको मिलेगा बेटा। ओके सर, गुड्स के केस में ध्यान रखना बेटा कौन कौन सी कैटेगरीज है जो इन एलिजिबल है फॉर दिस पर्पज। फर्स्ट, सप्लाईज मेड फ्रॉम DTA टू SEZ एलिजिबल नहीं है। देन एक्सपोर्ट्स थ्रू ट्रांसशिपमेंट, मीनिंग देयर बाय एक्सपोर्ट्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप थ्रू इंडिया, तो सर आउट ऑफ इंडिया से आया और आउट ऑफ इंडिया गया, इंडिया में तो सर आया ही नहीं, ट्रांसशिपमेंट हुआ केवल इंडिया से, वो एलिजिबल नहीं होगा MEIS के लिए, ऑब्वियसली बात है बेटा। देन डीम्ड एक्सपोर्ट एलिजिबल नहीं है। SEZ, EOU, ESTP, बायोटेक्नोलॉजी पार्क या फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड थ्रू DTA यूनिट, वो भी एलिजिबल नहीं है। देन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो भी एलिजिबल नहीं है। देन एक्सपोर्ट्स मेड बाय यूनिट इन फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन, दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर MEIS स्कीम। ओके आइए SEIS स्कीम, सर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, आपने या तो इंडिया से सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करी, या आपने इंडिया से आउट ऑफ इंडिया सर सर्विस कंज्यूमर्स को सर्विसेज एक्सपोर्ट करी तो एलिजिबल है। पर अगर आपका कोई ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है और वहीं से आपने सर्विसेज दी आउट ऑफ इंडिया, तो वो एक्सपोर्ट के लिए SEIS के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड, अगर आपके एम्प्लॉइज परमानेंटली आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, नेचुरल पर्सन आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनकी प्रेजेंस आउट ऑफ इंडिया रहती है और वहां से आपने सर्विस दी, वो भी एलिजिबल नहीं है SEIS के लिए। प्लस अगर आपको SEIS स्कीम का बेनिफिट लेना है तो ध्यान रखना जिस ईयर में आपने सर्विस एक्सपोर्ट करी है उस ईयर में आपका
सर फॉरेन एक्सचेंज नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग शुड बी मिनिमम $15,000 और अगर आप इंडिविजुअल सर्विस सप्लायर हो या प्रॉपर्टीशिप कंसर्न होते हैं ऐसे केस में $10,000 भी अगर आपका टर्नओवर हुआ नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अगर $10,000 भी हुई तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे SEIS स्कीम के लिए। अच्छा आपके दिमाग में पॉइंट आएगा क्या सर नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग क्या होता है, नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मतलब कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आपने अर्न किया लेस कितना फॉरेन एक्सचेंज में खर्चा किया आपने, इन INR में खर्चा किया वो लेस नहीं करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कितना कमाया माइनस कितना फॉरेन एक्सचेंज में खर्चा किया वो लेस करेंगे तो नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अच्छा आपके पास एक्टिव IEC नंबर होना चाहिए बेटा तो ही आप एलिजिबल हो SEIS स्कीम के लिए बेटा। ओके सर ध्यान रखना बच्चों इन एलिजिबल कैटेगरी क्या है SEIS स्कीम के लिए, सर जैसे आप ध्यान रखना आप एक बैंक हो या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और आपके बैंक में किसी का अकाउंट है और उसके अकाउंट में कोई पेमेंट आया है तो यू आर नॉट एलिजिबल बेटा, वो आपका रेवेन्यू नहीं है। प्लस सर किसी ने डोनेशन दिया है एलिजिबल नहीं है, जैसे आप हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो आपको हेल्थ केयर आया हेल्थ केयर क्या है पागल से बात कर रहा है आपको डोनेशन रिसीव हुआ या आपको कोई इक्विटी पार्टिसिपेशन रिसीव हुआ वो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं है बेटा, आपकी अर्निंग होनी चाहिए रेवेन्यू होनी चाहिए बेटा आपकी फीस होनी चाहिए। प्लस सर जैसे आपने अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स या सर GDR ADR GDR इशू किए या फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशू करके आपने फंड रेज किया बेटा दोज आर नॉट अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं है बेटा आपका। सर देन आपने ध्यान दीजिए बेटा कोई लोन लिया फॉरेन एक्सचेंज में सर अगेन वो एलिजिबल वो अर्निंग नहीं है यार, अर्निंग का रेवेन्यू काउंट करेंगे बेटा। ओके सर आपको फीस रिसीव हुआ है यस वो काउंट करेंगे, पर अगर आप मान लो टेलीकॉम कंपनी हो तो आपको एक्सक्लूड कर दिया, आप एयरलाइन या शिपिंग कंपनी हो और आपके वेसल या एयरक्राफ्ट कंट्री एक्स से निकल रहा है और कंट्री वाई जा रहा है विदाउट टचिंग इंडिया एट ऑल तो सर आपकी रेवेन्यू को काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ SEIS स्कीम। देन सर पेमेंट फॉर सर्विसेज रिसीव फ्रॉम EEFC अकाउंट कंसिडर नहीं होगा। देन अगर SEZ यूनिट हो आप सर एक्सपोर्ट टर्नओवर रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ यूनिट ऑपरेटिंग इन SEZ EOU ESTP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट और बायो टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट में अगर आप हो तो उनकी सर्विसेज को सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड टू सच यूनिट या इन यूनिट ने सर्विसेज दी है तो सर उनको काउंट नहीं करते बेनिफिट के लिए बेटा। देन अगर इन्होंने क्या किया SEZ यूनिट ने अपना टर्नओवर क्लब कर दिया DT यूनिट के साथ तो उनको भी कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब ये कुल मिला के एलिजिबल नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ SEIS एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑब्वियस बात है MEIS देखिए SEIS मत देखिए बेटा, हाँ है ना। तो दीज आर इन एलिजिबल कैटेगरी फॉर सर्विसेज जिनके लिए बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा कितना रिवॉर्ड पॉइंट है सर्विसेज के लिए, कितना आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा सारे केस में 5% है, कितना बेटा 5% इज द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इन केस ऑफ सर्विसेज, पर तीन केस में, एक तो होटल सर्विसेज, एक रेस्टोरेंट सर्विसेज और अदर बिजनेस सर्विसेज जैसे एडवर्टीजमेंट सर्विस हो गया बेटा, मार्केट रिसर्च एंड ओपिनियन पोल पब्लिक ओपिनियन पोल सर्विस हो गया बेटा, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस हो गया बेटा, मैनेजमेंट कंसल्टिंग हो गया, टेक्निकल टेस्टिंग एंड एनालिसिस सर्विस हो गया बेटा, या सर्विसेज विच आर इंसिडेंटल टू एग्रीकल्चर हंटिंग और फॉरेस्ट्री हो गया या सच काइंड ऑफ अदर बिजनेस सर्विसेज, यहाँ पे 3% है होटल रेस्टोरेंट और या अदर बिजनेस सर्विस के केस में 3% इज द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट सर्विसेज में, बाकी सब केस में कितना बेटा 5% इज द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेटा। अच्छा ध्यान रखिएगा आपको जो आउट ऑफ इंडिया से पेमेंट आ रहा है भले वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से आ रहा है डेबिट कार्ड से आ रहा है किसी भी मोड से पेमेंट आ रहा है फॉरेन करेंसी में अगर आ रहा है तो यस यू आर एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर। अच्छा ध्यान रखिएगा अगर आपने इम्पोर्ट पर कस्टम पे कर दिया तो यस आपने ध्यान रखना बेटा इम्पोर्ट पर कस्टम पे कर दिया तो यस ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक इज ऑल्सो अलाउड। ओके सर ध्यान रखिएगा एक और बात, MEIS हो या SEIS हो आपको जब ये स्कीम आप लेंगे आप इसके लिए बेनिफिट अगर आप ले रहे हो तो जिसको ये MEIS या SEIS इस ड्यूटी क्रेडिट स्कीम मिले वो इसको बेच सकता है फ्रीली ट्रांसफरेबल बेटा, पर हाँ 2% के टर्नओवर एक साथ क्लब करके आप SEIS मंगा रहे हो SEIS स्क्रिप्ट इशू करा रहे हो वो एलिजिबल नहीं बेटा, टर्नओवर क्लब नहीं कर सकते पर यस स्क्रिप्ट कैन बी ट्रांसफर टू एनीबडी एल्स। ओके ओपन मार्केट में सेल होता है बेटा ये। आइए सर नेक्स्ट आता है क्या स्टेटस होल्डर्स, बच्चों लास्ट पिछले 4 साल में एटलीस्ट 2 ईयर्स में आपका अगर ये मिनिमम टर्नओवर आपने इतना अचीव कर लिया तो एक्सपोर्ट हाउस का कैटेगरी आपको मिलेगा सर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार $3 million मिलियन US डॉलर की बात करूं मैं 3, 25, 100, 500 and $2,000 मिलियन सर अगर आपका FOB है या FOR जो कन्वर्ट किया आपने US डॉलर में, क्लियर सर डीम्ड एक्सपोर्ट भी कवर होता है इसके अंदर बेटा, अगर एटलीस्ट इतना आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है इन एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ लास्ट 4 ईयर तो आप एक्सपोर्ट हाउस के अंदर कवर हो जाएंगे बेटा, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 2 स्टार मैंने आपको रेस्पेक्टिव टर्नओवर बता दिया बेटा आपके इसके। ओके पर ध्यान रखना बेटा अगर आप सर एग्री एक्सपोर्ट जोन में कवर हो या यूनिट लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट है बेटा इंक्लूडिंग सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैविंग ISO और BIS या
एमएसएमई एक्ट में कवर हो बेटा, स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई एक्ट में अगर आप कवर हो तो ऐसे केस में इन यूनिट्स को बोला है कि वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी के लिए आपका जो भी आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का जो टर्नओवर है उसको हम डबल काउंट करेंगे, डबल वेटेज दिया जाएगा। मतलब उनके लिए 1.5 मिलियन यूएस डॉलर भी अगर उन्होंने टर्नओवर अचीव कर लिया तो उसको डबल करेंगे, मतलब 3 करोड़ के स्कोप में, 3 करोड़ की लिमिट में वो आ जाएंगे और वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस में वो कवर हो जाएंगे। तो वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए उनका जो भी टर्न होता है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का उसको डबल काउंट करते हैं बेटा। क्लियर, डन। सर ध्यान रखना बेटा, अब आप अगर स्टेटस होल्डर हो तो आपको क्या क्या प्रिविलेजेस अलाउड है बेटा, ध्यान रखना। एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि वॉट आर द प्रिविलेजेस विच आर अलाउड टू स्टेटस होल्डर। दिल थाम के सुनेगा, जल्दी सुनेगा बेटा। फर्स्ट, ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मे बी ग्रांटेड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। अच्छा ध्यान रखना, नॉर्मली जो क्वेश्चन था एफटीपी का वो या तो 2 मार्क का था या 4 मार्क का था। क्लियर, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, तो एनी 4 पॉइंट या एनी 5 पॉइंट कैन बी रिटन इन द एग्जाम्स अगर 4 या 5 4 मार्क का क्वेश्चन है तो। ओके, सेकंड बेनिफिट जो इनको मिलता है बेटा, प्रिविलेज क्या है, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स मे बी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी विद इन 60 डेज बाय द नॉर्म्स कमिटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी फॉर स्कीम्स अंडर एफटीपी अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एनीवेयर इन एफटीपी और हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर बेटा, एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपलसरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम बैंक्स बट रेमिटेंस और रिसिप्ट हाउएवर वुड बी रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल ओनली, पेमेंट तो बैंकिंग चैनल से आना चाहिए बेटा, फॉरेन करेंसी। 2 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट हाउसेज शैल बी परमिटेड टू एस्टेब्लिश देर एक्सपोर्ट वेयर हाउसेज ऑन देर ओन एज पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गाइडलाइंस बेटा। वैसे ये एक्साइज केस में रिलेवेंट था, अभी एक्साइज है नहीं, ज्यादा रिलेवेंट है नहीं बेटा। ओके, पर फिर भी पॉइंट आप लिख सकते हो बेटा। 3 स्टार एंड अबव हाउस कैटेगरी विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम, एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम के लिए आप बेनिफिट आप ले सकते हो। एंड देन सर ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर हुआ स्टेटस होल्डर, जो मैन्युफैक्चरर है जो स्टेटस होल्डर कौन से 3, 4 या 5 स्टार वाले, सर उनको बोल दिया क्या, यू विल बी एलिजिबल टू सेल्फ सर्टिफाइड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया विद द व्यू टू क्वालिफाई फॉर प्रिफरेंशियल एग्रीमेंट और ट्रीटमेंट बाय वेरियस कंट्रीज बेटा। जो हमने दूसरी कंट्रीज के साथ में प्रिफरेंशियल एग्रीमेंट वगैरह किए उसमें ये लिखना पड़ता है कि गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन इंडिया इटसेल्फ, उसको सर्टिफाई करना पड़ता है, पर आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर 3, 4 या 5 स्टार हाउस अगर आप हो तो, और अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो बेटा, देन मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हु आर ऑल्सो स्टेटस होल्डर्स शेल बी एलिजिबल टू सेल्फ सर्टिफाई देयर गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया एज पर पैरा नंबर 2.108 ऑफ द एफटीपी बेटा। देन सर ध्यान रखिए बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अच्छा पॉइंट बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशनल बेसिस पे आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करना आप नहीं कर सकते। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी गुड्स प्रमोशनल बेस पे आपको अगर एक्सपोर्ट करना, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पर अगर आप स्टेटस होल्डर हो तो यस, आप फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स सैंपल के लिए बाहर भेज सकते हो फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, पर उसके लिए एक लिमिट दे रखी है। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल की बात कर रहे हो तो ऐसे केस में वहाँ लिमिट दे दिया कितना, 2% ऑफ एवरेज टर्नओवर, एवरेज नेट फॉरन एक्सचेंज रिसीव्ड इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर बेटा। लास्ट 3 लाइसेंसिंग ईयर में आपका एक्सपोर्ट रिलेशन कितना था बेटा, एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इन लास्ट 3 ईयर्स उसका एवरेज, क्लियर, और रुपीज़ वन करोड़ विच एवर इज हायर, हायर ना बेटा सर इतना, विच एवर इज लोअर, आई रिपीट, वन करोड़ और टू परसेंट ऑफ एवरेज एनुअल रियलाइजेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, क्लियर। अगर आप विच एवर इज लोअर, इतना मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स बाहर भेज सकते हो ऑन सैंपल बेसिस, किसके केस में बेटा, जेम्स एंड ज्वेलरी के केस में, देन आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और अदर मेटल के केस में, पर हाँ अदर गुड्स अगर है तो वहाँ पे 1 करोड़ का लिमिट नहीं है बेटा, वहाँ पे डायरेक्ट 2% ऑफ द एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इन लास्ट 3 ईयर्स, जो एवरेज एनुअल रियलाइजेशन था आपका लास्ट 3 साल में उसका 2% तक का आप फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर भेज सकते हो अगर आप स्टेटस होल्डर हो तो सर। पर अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस या गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम को कोई दवाई वगैरह सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो लिमिट देखा जाएगा फ्री ऑफ गुड्स जो आप सैंपल बाहर भेज रहे हो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, वो 8% तक अलाउड है बेटा। 8% ऑफ योर एवरेज एनुअल टर्नओवर इन लास्ट 3 लाइसेंसिंग ईयर, क्लियर, उतना आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन आउट फार्मास्यूटिकल गुड्स आप भेज सकते हो बाहर अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और अगर आप WHO या गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन को सप्लाई कर रहे हो तो बेटा। क्लियर, डन, ये हो गया क्या स्टेटस होल्डर्स। आइए ड्यूटी एग्जिबिशन और रेमिशन स्कीम बेटा। ड्यूटी एग्जिबिशन स्कीम में 2 पॉइंट आते हैं बेटा, एडवांस ऑथराइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। एंड ड्यूटी रेमिशन स्कीम में ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, तो ड्यूटी ड्रॉबैक तो आप ऑलरेडी कस्टम में पूरा पढ़ चुके बेटा, जहाँ पे सेक्शन 74 या सेक्शन 75 हो कस्टम एक्ट का, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया उसी गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया उसमें जो कस्टम पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा। क्लियर, 75 में कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया उससे आउटपुट गुड्स मैन्युफैक्चर किया और फिर आपने एक्सपोर्ट किया तो इनपुट पे जो कस्टम पे किया उसका ड्रॉबैक मिल जाएगा।
इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट बेटा, क्लियर। तो ड्रॉबैक के बारे में तो यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया, पर हाँ एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है साहब, अगर कोई भी गुड्स आपको इम्पोर्ट करना है तो बिफोर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इटसेल्फ आप क्या करिएगा, आपके रीजनल अथॉरिटी से परमिशन लेके आइएगा, एडवांस ऑथराइजेशन इशू करा दीजिएगा बेटा। अब सुनिए बेटा, अगर आपने DGFT से एडवांस ऑथराइजेशन इशू करा दिया तो एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है बेटा, अगर आपको कोई भी, इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको कोई भी इनपुट इंपोर्ट करना है विदाउट कस्टम, क्योंकि वो इनपुट काम आएंगे किसमें, ऐसे आउटपुट गुड्स में विच आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। तो सर इनपुट पे अगर कस्टम पे करोगे फिर उस पर आउटपुट में यूज करोगे और आउटपुट एक्सपोर्ट करोगे तो ड्रॉबैक वैसे ही मिलता है। तो आपने गवर्नमेंट को बोला साहब हमको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दो ना यार, तो एडवांस ऑथराइजेशन ये कहता है कि यस, अगर आपने DGFT से ऑथराइजेशन ले लिया तो यू कैन इंपोर्ट द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स, क्लियर। अब आप उसको इंपोर्ट करके उसको किसी और को बेचोगे नहीं, हाँ आप खुद मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, या फिर आप अगर मर्चेंट मैन्युफैक्चरर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब मैं तो केवल ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, मैंने एक सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर जो डिक्लेयर करूंगा मैं, वो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर मेरे बिहाफ पे मैन्युफैक्चर करेगा, एक तरह से जॉब वर्क हो गया बेटा, और वो मैन्युफैक्चर करके मेरे को देगा और मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा तो चले जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो मैं या तो जो इनपुट इंपोर्ट कर रहा हूँ उससे मैं एक्सपोर्ट करना चाहिए, या फिर सर मैंने इंटरमीडिएट सप्लाई किया, मतलब मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने केमिकल इंपोर्ट किया, केमिकल्स मैंने प्लास्टिक बनाया और प्लास्टिक बना के मैंने आपको दे दिया और आप प्लास्टिक से प्लास्टिक चेयर बना के एक्सपोर्ट करो बेटा, तो सर ऐसे केस में सर मैंने जो सप्लाई किया वो आपको सप्लाई किया और आपने अल्टीमेटली एक्सपोर्ट किया बेटा, तो अल्टीमेटली मेरा प्लास्टिक एक्सपोर्ट हुआ ना यार, तो भी चल जाएगा साहब। या फिर मैंने फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को एज अ स्टोर्स कोई गुड सप्लाई किया तो यस चलेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एलिजिबल है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के लिए। या फिर सर डीम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरीज जो FTP में डिफाइन करी उसके लिए अगर मैंने सप्लाई किया, जैसे SEZ वगैरह को सप्लाई किया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, या यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है बेटा उनको सप्लाई किया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, तो यस आई एम एलिजिबल फॉर वॉट, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ओके, अब अगर मेरा लास्ट 2 ईयर में प्रिसीडिंग 2 फाइनेंशियल में कुछ भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अगर मेरा है तो आई एम एलिजिबल फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए एडवांस ऑथराइजेशन, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, और वो कितना होगा बेटा 300%, मतलब 3 टाइम्स ऑफ दी FOB वैल्यू ऑफ द फिजिकल एक्सपोर्ट एंड और FOR वैल्यू ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल में आपका कितना FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट था या डीम्ड एक्सपोर्ट के इसमें FOR वैल्यू कितना था बेटा, उसका 3 टाइम्स और ₹1 करोड़ विच एवर इज हायर, इतना मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए एक साथ परमिशन मिल जाएगी, सब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब सर कंडीशन ये है कि जो आपने इंपोर्ट किया वो एक्सपोर्ट में काम आना चाहिए, मतलब एक्चुअल यूजर कंडीशन होनी चाहिए बेटा, आप ही यूज करोगे किसी और को नहीं बेचोगे बेटा, क्लियर सर। पर इनको यूज करके जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा आउटपुट गुड्स, तो आउटपुट गुड्स की वैल्यू जो होनी चाहिए उसमें एटलीस्ट 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए बेटा, मतलब 1 करोड़ का अगर आपने इंपोर्ट किया इनपुट तो एटलीस्ट FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, CIF वैल्यू अगर आपकी 1 करोड़ है तो एक्सपोर्ट जब करोगे उसकी FOB वैल्यू मिनिमम 1 करोड़ 15 लाख होनी चाहिए बेटा। चाय के केस में 50% दिया बेटा, मतलब वहाँ पे उस एग्जांपल में 1 करोड़ 50 लाख आपका मिनिमम FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट होना चाहिए तो ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा एक और स्कीम है बेटा जनरल, एक और स्कीम देखा है सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम। अब सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम में क्या होता है बेटा, देखो क्या होता है बच्चों, अब एक सिस्टम तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारा प्लास्टिक इंपोर्ट कर लिया, बहुत सारे इनपुट इंपोर्ट किए और मैंने एक मशीन बनाई, तो गवर्नमेंट को ये भी तो चेक करना होगा कि मैंने सारे इनपुट उस मशीन में काम आया कि नहीं आया, क्योंकि मशीन मैंने एक्सपोर्ट किया, मैंने एडवांस ऑथराइजेशन बेनिफिट लिया सारे इनपुट बेटा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स फिक्स कर लेता है बेटा, SION, क्लियर। तो सारे इनपुट और आउटपुट रेशियो को गवर्नमेंट चेक करेगा कि सारे इनपुट मेरे एक्सपोर्ट में काम आया कि नहीं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही मेरे को बेनिफिट मिलेगा। पर हाँ, अगर किसी गुड्स के लिए SION फिक्स नहीं है या मैं कुछ एडिशनल इनपुट वगैरह भी यूज करता हूँ, डिफरेंट इनपुट वगैरह यूज करता हूँ, तो मैं चाहूँ तो सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ मेरे रीजनल अथॉरिटी को, और रीजनल अथॉरिटी को अगर मैंने अप्लाई किया है तो मेरे लिए सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम के थ्रू मेरे लिए अलग से इनपुट आउटपुट नॉर्म्स फिक्स हो जाएंगे और उस रेशो के अकॉर्डिंग मैं इनपुट इंपोर्ट कर सकता हूँ टू यूज इन आउटपुट गुड्स विच आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, क्लियर अंडर दिस एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। पर हाँ, ये सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम उन्हीं लोगों के लिए एलिजिबल है जो लोगों ने AEO सर्टिफिकेशन पास है, सर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर बेटा, कस्टम के स्कीम के अंदर बेटा, अंडर कॉमन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम ऑफ द CBIC। अगर कस्टम के कॉमन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम के अंदर मैं लिस्टेड हूँ जिसका मेरे पास AEO सर्टिफिकेट है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सर्टिफिकेट, वही लोग एलिजिबल है सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम के लिए। प्लस जब मैं अपना इनपुट आउटपुट नॉर्म्स डिक्लेयर करूंगा, उनको खुद डिक्लेयर करूंगा, वो वेरीफाई करेंगे, तो इट शुड बी सर ऑथेंटिकेटेड बाय दी चार्टर्ड इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी चाहिए बेटा उसके अंदर। प्लस ये सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम उसी पर्सन को मिलेगी जिसके अगेंस्ट पिछले 5 साल में कोई भी पेनल्टी या कोई मतलब कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ अंडर एक्साइज कस्टम्स या रिलेटेड लॉ, फॉरेन ट्रेड और डेवलपमेंट
फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू या कस्टम्स के थ्रू या एक्साइज या अलाइड लॉज में कोई भी मेरे को पेनलाइज नहीं किया पिछले 5 साल में बेटा, तो ही मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा सेल्फ नोटिफिकेशन स्कीम के बेटा। क्लियर डन। अच्छा सर एक और बात, एडवांस ऑथराइजेशन के केस में जब मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं तो सारा कस्टम एग्जम्प्ट बेटा, बेसिक कस्टम ड्यूटी हो, सेफगार्ड ड्यूटी हो, एंटी डंपिंग हो, या सारी ड्यूटी का बेनिफिट मिलता है इंक्लूडिंग 3739। सर आईजीएसटी और जीएसटी सेस भी एग्जम्प्ट रहेंगे अप टू 31 मार्च 2020। पर हाँ सर खास बात, इसको एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 20 या मई 21 रहेंगे उनको बताता हूँ कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में आईजीएसटी और जीएसटी कंपोजिशन सेस पहले 31 मार्च 2020 तक ही एग्जाम थे, जिसको बढ़ा के एक साल और एक्सटेंड कर दिया, 31 मार्च 2021 तक एग्जाम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुल मिला के सारे कस्टम एग्जाम थे अगर आपने कोई भी गुड्स एडवांस ऑथराइजेशन में इंपोर्ट किया तो। और हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी आपने गुड्स इंपोर्ट किया है सर उसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी बेटा। अच्छा एक बात और, अगर मान लो आपने सर ध्यान रखना 1 करोड़ का इंपोर्ट इनपुट सी आई वैल्यू वाला इंपोर्ट किया, उसको यूज करके आप आउटपुट गुड्स बना रहे हो, उसका मिनिमम वैल्यूएशन शुड बी 15%। मतलब एफ ओ बी कितना होना चाहिए मिनिमम, 1 करोड़ 15 लाख। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई इनपुट आउट ऑफ इंडिया वाले ने आपको दे दिया बेटा, तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इनपुट आउट ऑफ इंडिया वाला आपको देता है तो वो इंपोर्ट एक तरह से वो इनपुट आया था ना इंडिया में यार, तो उसकी फेयर वैल्यू हम इंपोर्ट वैल्यू में भी ऐड करेंगे प्लस एक्सपोर्ट जब करेंगे तो उस एक्सपोर्टर से हम उतना पैसा तो लेंगे नहीं बेटा जितना उसने फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल दिया, एक तरह से कंसीडरेशन काइंड हो गया। तो सर हम एफओबी में भी ऐड करेंगे और जो इंपोर्टेड इनपुट है उसकी कॉस्ट में भी ऐड करेंगे। जैसे हमने 70 लाख का इनपुट इंपोर्ट किया, 30 लाख की उसने इनपुट हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया बेटा, तो एक तरह से मेरा टोटल इंपोर्ट कितने का हुआ, 1 करोड़ का हुआ। अच्छा मैंने उससे 85 लाख रुपये चार्ज किए थे बेटा, अब 85 लाख तो मैंने उससे लिया प्लस 30 लाख के फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट ले लिए, तो मेरी सेल प्राइस कितनी हो गई 85 लाख प्लस 30 लाख, तो सर 1 करोड़ 15 लाख इज माई एफ ओ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो सर 1 करोड़ का इंपोर्ट हो गया, 1 करोड़ 15 लाख का एक्सपोर्ट हो गया, ऐसे कंसिडर करेंगे फिर देखेंगे 15% वैल्यू एलिवेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा। क्लियर डन। ओके अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन बेटा ध्यान रखना, ये पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस में मिलती बेटा। इसमें क्या होता बेटा, आपने अगर DFIA स्कीम लिया है तो ऐसे केस में आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किए उसमें जितने इनपुट काम आते हैं वो इनपुट को आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स। क्लियर, आफ्टर एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। अब ध्यान रखना बेटा, अगर आपने ये बेनिफिट लिया है तो आपका एक्सपोर्ट का वैल्यू एडिशन शुड बी मिनिमम 20%, नॉट द 15%। क्लियर। और ध्यान रखना बेटा, जिन गुड्स के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स फिक्स होता है उसी गुड्स के लिए सर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम एलिजिबल है। अगर आपकी गुड्स के लिए SIOIN फिक्स नहीं है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स फिक्स नहीं है, तो आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा पर DFIA नहीं मिलेगा बेटा। यहाँ मिनिमम वैल्यूएशन 20% है, एडवांस ऑथराइजेशन में कितनी थी बेटा 15%। अच्छा एडवांस ऑथराइजेशन जेम्स एंड ज्वेलरी एंड गोल्ड सेक्टर के लिए भी अवेलेबल है, पर ये DFIA उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा आपने एडवांस ऑथराइजेशन में कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो वो एक्चुअल यूजर कंडीशन वहाँ पे एप्लीकेबल होती है, मतलब यू कैन नॉट सेल इट टू एनीबडी एल्स। पर अगर आपने DFIA स्कीम लिया है तो आपने गुड्स इंपोर्ट किया उससे पहले आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हो, तो ऐसे केस में आप गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर। DFIA स्कीम एंड जो इनपुट आपने इंपोर्ट किए इस स्कीम के थ्रू बोथ आर ट्रांसफरेबल, पर एडवांस ऑथराइजेशन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो दीज आर डिफरेंसेज बिटवीन DFIA स्कीम एंड एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम बेटा। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। डन। सर एक लास्ट पॉइंट बचता है किसका, EPC स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया है सर, बच्चों ध्यान रखना, आप क्या बोलते हो सर, आपने इनपुट अलाउ कर दिया एडवांस ऑथराइजेशन के थ्रू विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम। सर अब मशीन अगर हमको इंपोर्ट करनी है तो काइंडली वो भी तो अलाउ कर दो, हम उसको सर हम आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करके दिखा देंगे, पर अब हमारे पास जब तक एडवांस मशीन नहीं होगी सर, नई मशीन नहीं होगी तब तक हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तो मोदी जी ने अलाउ किया। ठीक है साहब जाइए, मोदी जी मतलब पहले से भी अलाउ था सर, नो डाउट। सर EPC स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम बोलता है क्या, DGFT से अगर आपने स्कीम ले ली तो ऐसे केस में यू कैन इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम। पर जितना कस्टम आपने सेव किया, आई रिपीट, जितना कस्टम आपने सेव किया उसका सिक्स टाइम आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अचीव करके बताना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 6 ईयर्स बेटा। 6 साल के अंदर आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करके दिखाना पड़ेगा बेटा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जितना ड्यूटी सेव किया, खास बात EPC स्कीम के अंदर आपने अगर ये मशीन इंपोर्ट करी विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम तो यस इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम कस्टम्स, ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम्स। और हाँ एक बात और, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में था ना सर ऑल टाइप ऑफ कस्टम एग्जम्प्ट बेटा, DFIA स्कीम में केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट था बेटा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम में ओनली बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट होता है, अदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम को पे करना पड़ता बेटा। पर अगेन EPC स्कीम के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम एग्जम्प्ट इंक्लूडिंग 3739, मतलब IGST GST सेस भी एग्जम्प्ट है। और हाँ सर जिनके जुलाई एग्जाम है उनको बताया 31 मार्च 2020 तक ही IGST और GST सेस एग्जम्प्ट था अंडर EPC स्कीम ऑल्सो, पर अगेन इट इज ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च
2021, तो नवंबर 20 या मई 21 अगर आपके एग्जाम से, तो आप ध्यान रखिए, यस एपीसी स्कीम के अंदर भी एक साल का एक्सटेंशन बढ़ा दिया बेटा, आईजीएसटी और जीएसटी सेस के लिए बेटा, तो सारी टाइप्स ऑफ कस्टम एग्जाम इंक्लूडिंग 37 एंड 39 ऑल्सो, क्लियर, अगर एपीसी स्कीम के थ्रू आप कोई भी मशीन इंपोर्ट करते हो तो। और हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड, जितना ड्यूटी सेव किया है उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 6 ईयर। जरूरी नहीं कि उस मशीन से आप केवल और केवल एक्सपोर्ट गुड्स ही बनाए, आप डोमेस्टिक गुड्स बनाओ कोई दिक्कत नहीं, पर आपका 6 साल के अंदर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव हो जाना चाहिए बेटा। और हाँ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करने के बाद आप मशीन को बेच सकते हो, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं, पर उससे पहले आप मशीन को नहीं बेच सकते हो। मशीन जो आपने इंपोर्ट करी है, भले वो प्री प्रोडक्शन स्टेज में काम आए, प्रोडक्शन स्टेज में काम आए या पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में काम आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट इंपोर्ट में हमने मशीन इंपोर्ट करी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, एलिजिबल है। आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हो, एसईजेड की यूनिट वगैरह सप्लाई करते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, एलिजिबल है साहब। ये स्कीम बेनिफिट देती है आपको बेटा। सेकंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट किया, वो भी एलिजिबल है सर। अच्छा आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया अंडर एपीसी स्कीम, यस वो भी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है बेटा। अच्छा आपने मशीन को नॉकडाउन कंडीशन में, सीकेडी कंडीशन में, एसकेडी कंडीशन में इंपोर्ट किया और इंडियन लाने के बाद असेंबल किया, तो भी एलिजिबल हमने अलाउ किया है एपीसी स्कीम के अंदर बेटा। हाँ ध्यान रखना ड्यूटी सेव्ड का 6 टाइम, अब सर यहाँ पे मैं बार बार स्ट्रेस की दे रहा हूँ बेटा, ड्यूटी सेव्ड का 6 टाइम्स इज द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ड्यूटी सेव्ड मतलब क्या होता बेटा, जितना ड्यूटी बचाया आपने। अब आपने मान लो कोई गुड्स इंपोर्ट किया और सारी कस्टम एग्जम्प्ट पर आपने 3739 पे कर दिया बेटा, आईजीएसटी या जीएसटी से आपने पे किया, ओनली बेसिक कस्टम या अदर कस्टम का आपने बेनिफिट लिया बेटा, तो ऐसे केस में ड्यूटी सेव में क्या काउंट होगा बेटा, ओनली कस्टम जो आपने पे नहीं किया वही तो काउंट होगा बेटा, और उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करना पड़ेगा। पर कंडीशन क्या है, वो जो आपने आईजीएसटी 37 और 39 में आपने जो पे किया है जीएसटी सेस, उसका आपने आईटीसी नहीं लिया होना चाहिए बेटा। अगर आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, मतलब एक तरह से वो भी सेव हो गया बेटा। अगर आपने उस 3739 का आईटीसी ले लिया, मतलब वो भी ड्यूटी एक तरह से हो गया ना, पे करा और क्रेडिट ले लिया बेटा, तो ऐसे केस में टोटल ड्यूटी का 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अचीव करना पड़ेगा। पर सेकंड केस आपने क्या किया, इंपोर्ट किया, ओनली कस्टम का बेनिफिट लिया, 3739 का बेनिफिट नहीं लिया, तो पर 3739 का आपने आईटीसी भी क्लेम नहीं किया, तो इसका मतलब एक तरह से आपको बेनिफिट केवल बेसिक कस्टम वगैरह का ही हुआ बेटा, तो 3739 को के अमाउंट को हम काउंट नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग 6 टाइम्स ऑफ द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव बेटा। हाँ है ना, क्योंकि ड्यूटी सेव जो हुई केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी और अदर ड्यूटीज ही सेव हुई है, 3739 सेव नहीं हुई है क्योंकि आपने उसका आईटीसी नहीं लिया। अच्छा थर्ड केस, आपने कोई भी ड्यूटी पे नहीं किया, ना बेसिक कस्टम ड्यूटी पे किया ना कोई ड्यूटी पे किया, तो ऐसे केस में टोटल ड्यूटी सेव हो गया बेटा, उसका 6 टाइम आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपको अचीव करना पड़ेगा। ओके एक बात और बेटा, अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट से मशीन परचेज कर लिया और अगर आपने एपीसी स्कीम ले रखा है तो आपको बेनिफिट देंगे, पर हाँ सिंस हिंदुस्तानी है ना, तो हिंदुस्तानी भाई को बोला है क्या, अगर तुमने हिंदुस्तान के दूसरे भाई से कोई गुड्स परचेज किया है अंडर एपीसी स्कीम, तो यस तेरे को एपीसी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, कोई कस्टम कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। पर हाँ अगर उस गुड्स को इंपोर्ट करते तो कितना कस्टम बचता, कितना कस्टम लगता, तो उसको बोल देंगे क्या सर डीम्ड कस्टम बेटा, कि इतना कस्टम लगता अगर इस मशीन को इंपोर्ट करते तो हम मानेंगे कि जितना कस्टम बचा तुम्हारा इंपोर्ट करने पे कितना कस्टम लगता बेटा, क्लियर, उसको बोलते हैं नॉशनल कस्टम बेटा, उसका 4.5 टाइम, क्योंकि 25% बेनिफिट दिया है, क्लियर। तो सर 25% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में बेनिफिट दिया है अगर डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ द कैपिटल गुड्स करते हो तो बेटा, तो क्या हो गया बेटा, अगर डोमेस्टिक मार्केट से आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया है तो क्या हो जाएगा इस केस में सर, नॉशनल कस्टम ड्यूटी सेव्ड का 4.5 टाइम्स इज द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन विच यू नीड टू अचीव बेटा। हाँ है ना बेटा, ये सर मेजर बातें थी इन रिलेशन टू एपीसी स्कीम, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। बच्चों ये मेजर मैंने पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेटा, क्लियर, आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल, पढ़ते रहिए बेटा सर। अच्छा डीम्ड एक्सपोर्ट जो आपने जीएसटी के अंदर पढ़ा है वैसा ही बेनिफिट है डीम्ड एक्सपोर्ट में दिया हुआ बेटा, कि अगर आप कोई पर्सन गुड्स एक्चुअली इंडिया से बाहर नहीं जा रही है पर वो सप्लाई कर रहा है किसको, ईयूयू को सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई कर रहा है, या वो सप्लाई कर रहा है ऐसे किसी पर्सन को जिसने एपीसी स्कीम लिया है, एडवांस ऑथोराइजेशन लिया है, या एटसेट्रा जो अदर पॉइंट दिए, इन लोगों को सप्लाई किया तो वहाँ पे एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं उसके अंदर, क्लियर। जीएसटी आपने पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। तो ये सब बेनिफिट दे रखे, एसईजेड की स्कीम दे रखी है, ईयूयू वगैरह दे रखे बेटा आपको। ओके सरकार ध्यान रखना, जब भी आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बोला हुआ है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ पॉलिसी, इट इज नॉट एन एक्ट, इट हैज टू बी लिंक्ड विद द कस्टम्स एक्ट। जब तक कस्टम के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तब तक कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे एफटीपी के अंदर बोल दिया कि ये गुड्स अगर इस तरह का एक्टिविटी किया तो एग्जम्प्ट होगा। ओके 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 बच्चों पावर कट हो गया था, वापस बोलता हूँ बेटा, ध्यान रखना एफटीपी के अंदर कोई भी बेनिफिट अगर दिया है
तो इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय दी रेस्पेक्टिव एक्ट. तो जब तक कस्टम्स एक्ट या अदर एक्ट में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक एग्जिमिशन नहीं मिलता है. ओके क्योंकि एफ टी पी इज अ पॉलिसी, इट कैनॉट ओवर राइड द एक्ट. सेकेंड बात बच्चों जो आपको ध्यान रखना, लास्ट बात बेटा, सर ये बोला है कि जितने भी एक्सपोर्ट के आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे या जो भी आप इनवॉइसेस इश्यू करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हमेशा दोज शुड बी इन कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज, प्लस वो चाहे तो इंडियन करेंसी में भी हो सकते हैं, पर रिलेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी शुड ऑलवेज बी इन फॉरेन करेंसी ओनली. बेटा क्लियर पक्का बच्चों? हाँ सर ध्यान रखना बच्चों, ये मोटा मोटी तौर पे मैंने एफटीपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं. यस सर एफटीपी आप लोग छोड़िएगा नहीं बेटा, जो मैंने आपको एटलीस्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस कराए थे, जो अपनी बुक में क्वेश्चंस दे रखे वो एटलीस्ट आप कवर करिए. क्लियर? छोड़ना नहीं बेटा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए. सर ध्यान देना बेटा, हर एक चैप्टर अपने रिवीजन लेक्चर में कवर कर लिया है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर रिवाइज किया है बेटा. बी अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, आपके आसपास का जो ओरा है वो हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए और माहौल होना चाहिए पढ़ने में. खुश रहो, खुश रह के पढ़ाई करो, मर मर के नहीं पढ़ना बेटा. क्लियर माहौल? थैंक यू सो मच, पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, अपने टारगेट सेट करिए और टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए. क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू एम फॉर द मून, if you aim for the moon, even if you miss it, first of all you will never miss it, but even if by chance you miss it, don't worry, you will fall among stars. Okay, so all the very best, take care. Aur ha, dhyan rakhna ek last baat, ret ki zameen par chhodte chalo nisha, dekhe tumhe zameen dekhe aasma. All the very best, take care, god bless you, thank you so much.